स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 5.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो तीन क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व कर चुके हैं। जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -2/5 सो दैट द प्रोडक्ट मे बी -18/15, कि माइनस के 2/5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई की जाए कि हमारे पास माइनस के 18/15 आ जाए। पाँचवा क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ, यानी कि 2.5 मीटर जो कपड़ा है उसकी कीमत 125 रुपये दी गई है, तो ये बताओ 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। और छठा क्वेश्चन आपको दिया है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करने हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, कि एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस के 2/5 में करते हैं तो हमारे पास माइनस का 18/15 आ जाता है। तो एक्स बराबर माइनस का 18/15, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ गया तो माइनस का 2/5 का ही आ गया डिवाइड में। माइनस 18/15 था, जब इसको हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2/5 पलट जाएगा, यानी कि 5/-2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 18 और 5 × 5, 5 × 3 15। इस तरीके जब इसे काटेंगे तो हमारे पास ऊपर 9 बचेगा, नीचे बचेगा 3 और 3 × 9, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 की। 3 ऐसी संख्या है जो हमें चाहिए थी। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, उसमें दिया है कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ, 125 रुपये लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। तो हम क्या करेंगे, 125 को डिवाइड कर देंगे 2 से ही 1/2 से। ये क्वेश्चन आपको अपने आप कंप्लीट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उसका ए पार्ट दिया है आपको, ए बराबर दिया है 2/3 + 4/5 डिवाइडेड बाई 65/12 -5/4। तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 15, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा डिवाइड। इसमें एलसीएम लेंगे 12, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे एक बार होगा, 65 × 65 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार होगा, -3/15 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22/15 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे 65 में से 15 घटाएंगे, 50/12 आ जाएगा। अब 22/15 डिवाइड की जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12/50 हो जाएगा। 12 से 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा। फिर 3 से इसे काटेंगे, 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 3 से इसे काटेंगे, 3 × 15 आ जाएगा। तो 22 और 2 ऊपर बचा, यानी कि 22 × 2 = 44 आ जाएगा, 5 और 25 नीचे बचा, यानी कि 25 × 125 आ जाएगा। तो 44/125 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो इसके बाकी के बचे हुआ पार्ट हैं ये आपको अपने आप सोल्व करने हैं।